सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत जल्द हमें पोको की तरफ से पोको F5 सीरीज भी इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको के F5 के बारे में। स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है, क्या कुछ फीचर्स होंगे, और तो और ये स्मार्टफोन कब तक और किस प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो भाई, अगर हम बात करें फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलेगा ये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर बना होगा, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलने वाली है। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में भी आएगा, सो बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल मिलेगी। हालांकि ये नॉर्मल पैनल नहीं होने वाली है, आपको यहाँ पर 12 बिट की पैनल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन सभी के अलावा वाइड वाइन L1 HDR 10 प्लस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर ब्राइटनेस की, तो 1000 निट्स की आपको यहाँ पर पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। रही बात हाई रिफ्रेश रेट की, तो 120 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाली है। सो डिस्प्ले क्वालिटी देखा जाए दोस्तों, तो हर मामले में टॉप नॉच है। डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं पर दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी पोको की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि ये स्मार्टफोन हमें स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 2 के साथ में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, और ये जो चिपसेट है ये सिर्फ 4 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर आता है, जिसका मतलब कि हीटिंग वगैरह आपको यहाँ पर डेफिनेटली बहुत कम मिलने वाली है। वैसे पावर एफिशिएंसी भी काफ़ी कमाल की रहेगी, और साथ ही साथ इस स्मार्टफोन के अंदर जो परफॉर्मेंस होगी दोस्तों वो भी आपको टॉप क्लास मिलने वाली है। रही बात गेमिंग की, तो एड्रेनो 725 का जीपीयू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई काफ़ी पावरफुल जीपीयू है, सो आपको यहाँ पर गेमिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी करा देगा। वैसे एक और अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पर LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने को मिलने वाला है। सो रीड और राइट के साथ साथ आपको यहाँ पर ऐप लोडिंग परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलने वाले हैं। मेन कैमरा लगा होगा 64 मेगापिक्सल का, साथ ही साथ OIS का फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलेगा। और सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है कि बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS, और फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 60 FPS। सो कैमरा परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। सो कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। साथ ही साथ फोन यहाँ पर 67W की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पर आपको मिलने वाला एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, और तो और ये स्मार्टफोन आने वाला है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, जहाँ पर आपको मिलेगा MIUI 14। सो थोड़े मोटे ब्लॉटवेयर वगैरह होंगे, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली है। पर रही बात कार्ड ऑप्शन की दोस्तों, यहाँ पर आपको पॉसिबली कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को ना मिले। और अब बात करें प्राइसिंग की दोस्तों, तो स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होगा 6+128, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये हमें इंडिया में अराउंड 27,000 से 28,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल सकता है। और अगर हम इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अगर ये स्मार्टफोन इससे ऊपर जाता है तब तो थोड़ा सा ओवर प्राइस ही होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले आपको मिल रही है, अच्छा खासा आपको यहाँ पर चिपसेट मिल जाता है, अच्छा खासा कैमरा सेटअप भी दिया गया है, और तो भाई बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर टॉप नॉच ही मिलेगी। इन सभी के अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर जो स्मार्टफोन है ये इसी प्राइस पॉइंट के आसपास में लॉन्च किया जाता है तब तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन एक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्मार्टफोन होगा। वैसे आप सभी के स्मार्टफोन को लेकर के क्या राय है दोस्तों, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।